लेफ्ट हैंड साइड में लो बीम हाई बीम लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न BHP की मैक्सिमम पावर और 8.7 न्यूटन मीटर के एंड येलो वेरिएंट आपको 75,240 रुपीस की एक्स शोरूम। हेलो एवरीवन, दिस इज अमकरनाथ एंड यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। आज हम जिस टू व्हीलर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हीरो प्लेजर प्लस। लुक्स के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस आपको न्यू क्लासिक लुक्स के साथ देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको काफी डिफरेंट कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली आपको हीरो प्लेजर प्लस में 9 कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोलिस्टर ब्लू, मैटी वर्नियर ग्रे, पीरल सिल्वर व्हाइट, स्पोर्टी मैटी कलर, मेटालिक रेड, मैटी ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक, मैटी ब्लैक, रेड और जुबिलेंट येलो कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाती है हीरो प्लेजर प्लस में। लाइटिंग्स के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस के फ्रंट में आपको DRL के साथ हैलोजन हेडलैम्प और बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको रियर में हैलोजन टेल लैम्प के साथ बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और फ्यूल मीटर देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और लो बीम हाई बीम इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको लेफ्ट हैंड साइड में लो बीम हाई बीम लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 4.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 110.9 सीसी की एयर कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 8 BHP की मैक्सिमम पावर और 8.7 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको फ्रंट में बटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर्स और रियर में स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर्स देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम ब्रेक की सुविधाएं देखने को मिल जाती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो आपको फ्रंट प्लस रियर दोनों में 90x100 सेक्शन के 10 इंचेस वाले ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ अगर सीट हाइट के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 765mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 155mm की ग्राउंड क्लियरेंस और उसी के साथ आपको 104kg की कर्व वेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाती है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है और अगर सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको काफी कंफर्टेबल सा सीट कुशनिंग देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको 14 लीटर्स का बूट स्पेस कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप एक हाफ फेस हेलमेट को काफी कंफर्टेबली रख सकते हो। उसके अलावा स्कूटी में आपको बूट लाइट, पिलियन ग्रैब रिल्स, पेंटागनल मिरर, रिफ्लेक्टर्स, अंडर सीट कैरी बैग होल्डर और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो हीरो प्लेजर प्लस में आपको काफी वेरिएंट्स देखने को मिल जाती है, जहां में से हीरो प्लेजर प्लस FI स्ट्रेट मेटल व्हील वाला वेरिएंट आपको 65,900 रुपीस की एक्स शोरूम और 78,092 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। उसी के साथ आपको हीरो प्लेजर प्लस प्लेटिनम 70,900 रुपीस की एक शोरूम और 83,187 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक ड्रम कास्ट 73,640 रुपीस की एक शोरूम और 83,898 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। उसी के साथ एक्सटेक का दूसरा वेरिएंट एक्सटेक ड्रम कास्ट जुबिलेंट येलो वेरिएंट आपको 75,240 रुपीस की एक शोरूम और 85,624 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। लास्टली FI एलॉय व्हील्स वाला एडिशन आपको 75,450 रुपीस की एक शोरूम और 87,824 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।